तो इधर जो दिख रहा है ना, इसको भी सपोर्ट करके दिखाइएगा यार। कितना शर्म की बात है, जिस देश में हम रहते हैं जिसका नाम हिंदुस्तान है, जिस तिरंगे को हम लोग सैल्यूट करते हैं, उस तिरंगे के सबसे ऊपर का रंग केसरिया है, जिसको हम भगवान नाम से भी जानते हैं, और उसी रंग से हमारी पहचान भी है, मतलब कि हिंदू, और उसी रंग को पठान जैसे मूवी में, पठान जैसे घटिया। रुको जरा, सबर करो। ये क्या है भाई, देखो तुम लोग हिंदू भाई, शाहरुख खान का एक पठान मूवी आया, उसमें थोड़ा सा का पहन लिया हो गया, और सबके सब बीजेपी के संसद थे लोग, देखो सब बीजेपी के संसद थे। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। पठान कंट्रोवर्सी के बीच शाहरुख खान ने कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत की। शाहरुख खान रानी मुखर्जी के साथ कोलकाता पहुंचे थे। इवेंट में बॉलीवुड बादशाह को देखकर फैंस का एक्साइटमेंट हाई हो गया। किंग खान और रानी मुखर्जी के अलावा जया बच्चन, बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन भी फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बने। फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने सोशल मीडिया के बारे में अपनी राय रखी। इसके अलावा जाते जाते पठान का प्रमोशन भी किया। मॉडर्न जमाने और सोशल मीडिया पर बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा कि आज के वक्त में सोशल मीडिया द्वारा एक कलेक्टिव नैरेटिव दिया जाता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि नेगेटिविटी सोशल मीडिया के यूज को बढ़ाती है, इसके अलावा इसकी कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ती है। इसी तरह की कहानियां हमें भटकाने और बांटने का काम करती है। सिनेमा इंसान के बर्ताव को दिखाता है, जिससे मानव भाईचारा और सहानुभूति आती है। सिनेमा और सोशल मीडिया के बारे में शानदार स्पीच देने के बाद शाहरुख खान ने इसका क्लोजअप एक दमदार डायलॉग के साथ किया।